शादी का सीजन है, शॉपिंग भी करनी है और कोरोना का भी डर है। ऐसे में आपको घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, बिग ब्लिस है आपके साथ। अभी डाउनलोड करें बिग ब्लिस ऐप और सिर्फ 10 मिनट में पाए अपना सारा सामान। बिग ब्लिस, खुशियों की अपनी दुकान। इसी के साथ कर्नल अजय जी, हमने कपास खली की बात करें अगर, तो हमने कपास खली में भी बढ़त बनते हुए देखी है। क्या कपास खली के कुछ फंडामेंटल्स में कुछ चेंजेस आए हैं जिसकी वजह से कपास खली में इतनी तेजी देखने को मिली है, और क्या कपास खली में यहाँ से अभी और तेजी देखने को मिल सकती है या फिर यहाँ से मुनाफा वसूली बन जाएगी? अक्षय जी, आपको याद होगा कि आप ही के साथ हमने इसी टीवी चैनल के ऊपर कपास खली और कपास के ऊपर विस्तृत विश्लेषण किया था। हमने यही कहा था कि कपास खली जो है इसमें इन लेबल्स के ऊपर बैन बनती है, क्योंकि 3400 के ऊपर सबसे पहले हमने आपको कहा था कि यहाँ पे आप मुनाफा वसूल कर लो, 5-8-10% थोड़ा टूट सकता है और उसके बाद वो टूटा भी लगभग 10%। देखिए, अब महत्वपूर्ण यह है कि कपास के जो फंडामेंटल है वो बिल्कुल इंटैक्ट है, कपास बिल्कुल उसमें कोई परिवर्तन नहीं है, लेकिन जो 29.5 mm की कपास है, 76 mm की कपास है, वो बेसिकली जो ए ग्रेड की कपास है या बी ग्रेड की क्लास की कपास है, उसकी शॉर्टेज रहेगी, उसमें कोई दोहरा नहीं है। क्योंकि वजह है कि हर साल कपास खली के कपास के अंदर जो प्रोडक्शन होता था उसमें अच्छी क्वालिटी का मात्रा अधिक होती थी, लेकिन इस बार उसकी मात्रा कम है। इसी वजह से कपास के अंदर अच्छी कपास की क्वालिटी और वो उसकी मात्रा कम होने की वजह से ये फर्क आ रहा है। दूसरा, किसान अच्छी क्वालिटी का, किसानों के साथ साथ डीलर्स भी जिन्होंने नीचे के भाव में माल खरीदा है हमारे शोध को सुन के या अपनी बुद्धि से, वो कपास ए ग्रेड क्वालिटी को आसानी से माल बेच नहीं रहे हैं। और यही वजह है कि जो स्पिनिंग मिल की जो रिक्वायरमेंट होती है वहाँ पे भी अच्छी क्वालिटी की ही कपास की आवश्यकता होती है, उनकी बाइंग के अंदर भी एक समस्या और है कि नॉर्मली जो स्पिनिंग मिलता है वो जो कॉटन खरीदते हैं अच्छी क्वालिटी की वो 15-20 दिन का तो कम से कम स्टॉक रखते ही है, और जो बड़े मिल रहे हैं वो 30-40 दिन का स्टॉक रखते हैं। अब समस्या ये आ रही है कि अच्छी क्वालिटी का कॉटन धीरे धीरे बाजार से कम हो रहा है और इसलिए अवेलेबल नहीं हो रहा है। क्या आप तमिलनाडु देख लो, चाहे कर्नाटक देख लो, चाहे इधर अपन लोअर अपर राजस्थान देख लो, इधर पंजाब देख लो या फिर महाराष्ट्र और गुजरात देख लो, तो वहां पर लगातार अच्छी क्वालिटी की जो कॉटन है उसकी अराइवल कम होती जा रही है। अभी ये लगभग 40,000 से 50,000 बेल तक की रहेंगी, और यही सब यही वजह है कि किसान अपना माल रोक रहे हैं, डीलर्स अपना माल रोक रहे हैं, इससे बिनोला भी बाजार में कम आ रहा है। जब बिनोला कम होगा तो निश्चित रूप से बिनोला खल जो है वो भी उसकी मात्रा भी सीमित हो जाएगी, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण ये भी रहेगा कि बिनोला खल की कीमतें यदि जमीन आसमान को छुएंगी तो पशुपालक जो है या डेयरी फार्मिंग वाले जो काम करने वाले हैं वो कपास खली के अंदर बाकी दूसरी चीजों की मिक्सिंग करना चालू करेंगे, चाहे वो दूसरे खाद्यान्न में हो, और यही वजह है कि कपास खली एक सीमा से जाकर से अधिक ऊपर जाने में उसको तकलीफ आती है, क्योंकि पशु आहार के रूप में इसका सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है और उसके अंदर वो मिलावट होनी चालू हो जाती है। अब ये सरसों खा लिया, बाकी और दूसरे जो केक है चाहे सरसों के हैं चाहे सोया के हैं, लेकिन सबसे अधिक जो पशु को सुरुचि पूर्वक जो उनको पसंद है वो बिनोला खा गया, और इसी वजह से बिनोला खल की डिमांड हमेशा रहती है। अभी इसका डिमांड और प्राइस के अंदर यदि सामंजस्य रहता है तो इसके अंदर और भी तेजी रहेगी, लेकिन जो निचले स्तर पर जिन्होंने डेढ़ महीना जो ये कपास खली 3,3100 रुपए के 2950 के भाव रहे इसके, और इन लेबल के ऊपर, और ये भी सुनने में आया कि NCBX के ऊपर भी कपास खली का काफी बड़ा स्टॉक हाजिर के अंदर जमा हो रहा है, तो ये सब जो ये सूचनाएं हैं सब कुछ है, लेकिन कुल मिला के मुझे कपास खली के अंदर कमजोरी नजर नहीं आती आज के दिन। कल आपको याद होगा हमने कपास खली के अंदर ये पूरा डिटेल्स कपास से आपसे बात किया था कि इसमें गुलाबी सोंडा और कितना अराइवल है, ऐसा पूरी डिटेल में बात की थी, और कल 6% का अपर सर्किट कपास में देखा गया। तो दोस्तों, मैं हमेशा आपको यही कहना चाहता हूँ अखिलेश जी के माध्यम से, धमाके टाइम्स टीवी के माध्यम से, तेजी आने के बाद सारी दुनिया तेजी कहती है, मंदी आने के बाद सारी दुनिया मंदी कहती है,
या उसका पोस्टमार्टम करता है, इस वजह से मर गया, यहाँ पैसा हो गया, वहाँ पे वैसा हो गया, वहाँ पे विदेश में ऐसा हो गया, ये हो गया, वो हो गया। अरे जब तक आप मंदी आने से पहले नहीं बताओगे या तेजी आने से पहले आप अनुसंधान नहीं करोगे, तो आप उस अनुसंधान और उस विश्लेषण का फायदा क्या है? या फिर आप 6 महीने 8 महीने शांति का रहता भाव दोगे, तो 6 महीने 8 महीने के बाद में क्या होता है उसके बाद में किसने देखा है? आप तो तुरंत बताओ, तभी तो फायदा निकलेगा। लेकिन सारी चीज हमेशा हर चैनल के ऊपर पब्लिक प्लेटफॉर्म पे डिस्क्लोज भी नहीं होती है, ये भी महत्वपूर्ण चीज है। तो विशेष चीज यही मैं कहूंगा कि जो तेजी वाली कमोडिटीज है, चाहे वो सोया हो, चाहे कपास हो, या इन सब में मंदी के झटके लगने वाले हैं, इसमें कोई घबराए नहीं, लेकिन वो कब लगेंगे उसके लिए प्रोग्राम आपको लगातार देखना पड़ेगा, लगातार सुनना पड़ेगा और समझना पड़ेगा। मैं हमेशा से कहता हूँ कि टाइमली प्रॉफिट बुक करना उसी प्रकार आवश्यक है जिस प्रकार एक पेड़ के ऊपर फल है। अभी उस पत्ते में फल को आप नहीं तोड़ोगे तो पक्षी खाएंगे, और अभी पक्षी से भी थोड़ा कुछ बचेगा तो वो गिर के जमीन पे बीज के बीजों का निर्माण करेगा, और लेकिन आपके हाथ नहीं आएगा। तो पॉइंट ये है कि जो व्यापारी है टाइमली प्रॉफिट कर लें, वो अपना निर्धारित कर लें, अपना नफा और नुकसान दोनों निर्धारित कर लें, क्योंकि कारोबार का मतलब बेचना और खरीदना दोनों है। खर्चे खरीदना खरीदना नहीं है, सिर्फ बेचना बेचना नहीं है। यदि आप खरीद और फर्क दोनों टाइम पे कर लोगे तो निश्चित रूप से आपको अधिक फायदा होगा। एक और महत्वपूर्ण बात मैं आपके खास के माध्यम से सभी दर्शकों को कहना चाहता हूँ, तो ट्रेडिंग चाहे वो हाजिर की हो चाहे वायदे की हो, हमेशा से ही उसमें रिस्क का इन्वॉल्वमेंट है, उसमें जोखिम का इन्वॉल्वमेंट है। यदि जोखिम ना हो तो हर आदमी व्यापार कर ले, हर आदमी वायदे के अंदर ट्रेड कर ले, हर आदमी दुकान खोल के बैठ जाए, हर आदमी मिल खोल के बैठ जाए। इस जोखिम की वजह से ही आप कमा रहे हैं। अभी इसमें जोखिम नहीं हो तो 130 करोड़ जनसंख्या के अंदर सब लोग इसमें कूद पड़ेंगे, कोई नौकरी नहीं करेगा। तो महत्वपूर्ण ये है कि रिस्क मैनेजमेंट आपको अपना रखना पड़ेगा। कितना नफा या कितना नुकसान, नफा चाहे असीमित हो लेकिन नुकसान का आपको निर्धारण करना पड़ेगा कि मैं इतना नुकसान झेल सकता हूँ, उसी हिसाब से अभी आप ट्रेड करेंगे तो हमेशा बेहतर रहेगा। ये सभी जानकारियां आपको फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस और एस्ट्रो टेक्निकल एनालिसिस के आधार पर दी जा रही है। किसी भी प्रकार का ट्रेडिंग डिसीजन लेने से पहले आपको स्वयं का अध्ययन, विवेक का इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है, क्योंकि नफा नुकसान आपको झेलना पड़ेगा, कोई दूसरा इसमें नहीं है। चाहे मैं शामिल हूँ या कोई दूसरा एनालिसिस शामिल है, ये डिस्क्लेमर देना हर फाइनेंशियल शो के लिए आवश्यक है। ये अखिलेश जी। जी कनल जी, फ्रेश दूध और सब्जी के लिए अब घंटों इंतजार नहीं, बिग ब्लिस पर ऑर्डर करें और 10 मिनट में पाएं अपने घर फ्रेश दूध और सब्जी। तुरंत डाउनलोड करें बिग ब्लिस ऐप, खुशियों की अपनी दुकान।